मरीज के अटेंडर ने अस्पताल में मचाया उपद्रव, की तोड़फोड़। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में भर्ती मरीज के अटेंडर द्वारा उपद्रव करने, लीवर रूम का कांच तोड़ने, कूलर और अन्य सामान की तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन से पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती महिला मरीज के कुछ दिन पूर्व सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, जिसमें बच्चा होने के बाद अब कुछ समस्या सामने आने पर वे सामान्य अस्पताल में दिखाने आए थे, जहां चिकित्सक द्वारा मरीज को देखे जाने के बाद भर्ती करने और उपचार की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान मरीज के साथ आया अटेंडर युवा भड़क गया और उसने लीवर रूम के कांच को तोड़ने के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे अस्पताल में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया, मरीज इधर से उधर भागते दिखाई दिए। सामान्य अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच उपखंड के बटेश्वर कला से एक महिला मरीज को कुछ लोग दिखाने लाए थे, जिसके कुछ दिन पूर्व जिला अस्पताल धौलपुर में सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। महिला को परेशानी होने पर उसे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा देखा गया और भर्ती के लिए लेबर रूम के बाहर कूलर के सामने लिटा दिया था। उपचार की तैयारी की जा रही थी, इसी दौरान मरीज के साथ आए एक से दो युवक भड़क गए और उन्होंने लेबर रूम के कांच को तोड़ दिया, साथ में कूलर सहित कुछ अन्य सामान की तोड़फोड़ भी की है। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। घटना को लेकर पुलिस को तुरंत सूचना दी है। आज सुबह लगभग 9 बजे बटेश्वर कला का एक मरीज आया था। मरीज कहेंगे धौलपुर ऑपरेट हुआ था, ऑपरेशन के बाद बच्चा हुआ था, तो सुबह को उसको दिक्कत आई थी, जिसमें सामान चिकित्सा ने बाड़ी में लाए, बाड़ी में उनके लिए डॉक्टर साहब को देखा, डॉक्टर साहब ने उसको भर्ती करने का प्रोसेस करा और नर्सिंग स्टाफ ने उसको बेड पर कूलर के सामने लिटाया और दवाई लगाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय कोई उनका परिजन अदृश्यम हो गया, उसने अस्पताल में कूलर वगैरह इधर से उधर उधर फेंका, कांच तोड़ दिया है, इस तरह की बात हुई है। इसको लेकर मामला अभी दर्ज कराएंगे और एक तैयारी कर रहे हैं।